लास्ट वीक फैमिली डिनर पर एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर मैंने ये अचारी गोभी आलू की सब्जी खाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस उन्हीं की रेसिपी के साथ मैंने एक स्पेशल मसाले के साथ ये सब्जी रेडी करी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम विद निधि मेहता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी अचारी गोभी आलू की सब्जी। पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी गोभी बनाने के लिए मैंने ये गोभी के फूल को इस तरह से काट लिया है, इसके फ्लोरेट्स को अलग कर लिया है और इसको बड़े बड़े पीसेस में हमें रखना है। उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छी तरह से पानी से और सुखा लिया है। और साथ में मैंने ये चार मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको भी मैंने छील के इस तरह से पानी में काट के रखा हुआ है। और देखिए इसके भी इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करने हैं। पानी में रखने से इन आलुओं का कलर चेंज नहीं होगा। अब एक कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। ये तेल थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें आलू और गोभी को फ्राई करना है। ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, तो इसको हम फ्राई करके ही बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ये सब्जी जो है अचारी गोभी आलू की, ये सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। इसको तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। देखिए एकदम क्लियर जो है वो ऑयल हो गया है, यानी कि इसका कलर चेंज हो गया है। और गैस को मैंने सिर्फ एक मिनट के लिए बंद कर दिया है। अब सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम आंच पे इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है वो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, बस इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं और इस तरह से झारे पे रखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही निकल जाएगा। ये मैंने एक प्लेट पे किचन रोल लगा लिया है और इसके ऊपर हम ये आलू निकाल लेंगे, जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम इसी प्रोसीजर से हम गोभी को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गोभी जो है वो भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, इसको भी हम तेल में से निकाल लेंगे। और जिस प्लेट में हमने किचन टॉवल लगाया था उसी प्लेट में इसको रख देंगे। हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। ये मैंने उसके लिए तीन टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और हरी मिर्च ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फ्रेंड्स, इस सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं डलता है। एक अचारी मसाला भी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी टमाटर के साथ पीसी हुई है इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डाल देंगे नमक, बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। जो जो मसाले हम अचार बनाते टाइम यूज करते हैं वही मसाले डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मसाले पीसे हुए नहीं हैं तो आप साबुत मसालों को लेके इकट्ठा करके उनको भी पीस सकते हैं। 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच से भी कम डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे काला नमक, आधा चम्मच डाल देते हैं मेथी दाने का पाउडर। फ्रेंड्स, ये सौंफ, मेथी दाना, जीरा ये सब मैं घर में पीस के रखती हूँ जिससे बाद में आसानी हो जाती है सब्जी बनाने में। थोड़ा सा डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैंने आधा चम्मच डाला है जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और इन सब मसालों को कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। फ्रेंड्स, जिस ऑयल में मैंने गोभी और आलू को फ्राई किया था उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ ये हींग। 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच ही इसमें डालेंगे जीरा। इनको हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। इसी के साथ हमने जो अचारी मसाला रेडी किया था ड्राई मसाला वो भी डाल देते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक के हम मीडियम आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं मसाले को। ये मसाला हमारा पक गया है, देखिए इसने ऑयल भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें हम जो हमने आलू और गोभी फ्राई करके डाल रखे थे
वो इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आलू और गोभी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। मैंने गोभी ज्यादा ली है, आलू थोड़ा कम लिया है। इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट पकने देंगे। बीच में इसको हम 2 से 3 मिनट के बाद एक बार और चला के देख लेंगे ताकि गोभी और आलू जो है वो मसाले को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें। देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट मैंने सब्जी को रखा था, एकदम से मजेदार और परफेक्ट सब्जी बन के रेडी हुई है। देखिए लग रही है ना कितनी मजेदार सब्जी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनी है ये। चलिए अब करते हैं इसको गरम गरम सर्व। फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी से एक बार ये अचारी आलू गोभी जरूर बना के देखिएगा और इसको रोटी, नान, पूड़ी या परांठा किसी के साथ भी खा के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आपने क्या कभी अचारी गोभी पहले कभी खाई है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।